अभी हम इस बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना बताएं। जब चीजें ऑफिशियल होंगी सबको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें खुद पे? अक्सर ऐसा होता है ना, जैसा हम सोचते हैं चाहते हैं, अगर उसके बरक्स हो जाए तो उसे दिल तस्लीम नहीं करता। हाय मैम, आई एम सॉरी। हाय सरिश। हाय। प्लीज बैठो। आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इट्स ओके, मुझे सैरिश कंपनी दे रही थी। अच्छा सारी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज हम बाहर जाके कहीं खाना खा लें, बाकी डिस्कशन भी वहीं पे कर लेंगे। लंच पे और डिस्कस क्या करना है? कुछ है ना, बता दूंगी अभी, प्लीज लेट्स गो। आई नो इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, आई डोंट नो तुम्हारी होटलिंग की आदत कब खत्म होगी। चलो लेट्स गो। प्लीज पीछे थोड़ा सा देख लेना, बिकॉज हमें आई एम श्योर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। ठीक है, लेट्स गो नाउ, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय सैरिश। ये आजकल की अस्ताग बाबा भी खूब है साहब। है वाले सलाम बेटा। यू आर ऑलवेज ऑन योर फोन। टिकटॉक देख रहा था। अस्ताग को मैं। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बस बाहर से लंच करके आया, ऑलरेडी बड़ा हेवी सा हो गया। दरिश के साथ किया था लंच? नहीं, माम के साथ गया था, कुछ ऑफिशियल चीजें उसके साथ डिस्कस करनी थी, उसे भूख लग गई, समझे ऑफिशियल लंच ही था उसके साथ। अच्छा अच्छा। देखो बेटा, अब तुम बहुत जल्दी सहरिश के साथ ऑफिशियली अटैच होने वाले हो। मेरे ख्याल में तुम्हें उसे ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि तुम्हारे दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। मिलते रहोगे तो एक दूसरे को जानने में आसानी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनफैक्ट इस वीकेंड पे कौसर ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। मैं सोच रही थी कि जब हम जाएंगे तो इसकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेंगे। अमीन, आपको नहीं लग रहा आपको ज़्यादा जल्दी कर रही है? बिल्कुल नहीं, कोई जल्दी नहीं कर रही मैं। अब जाएंगे जब एंगेजमेंट की डेट लेंगे तो उसके 6 महीने बाद शादी की डेट लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप कम अज़ कम उनकी राय भी तो जान लें। अभी उनकी बेटी की डेथ को अरसा ही कितना हुआ है। इसीलिए तो 6 महीने बाद की शादी की डेट लेंगे। वैसे उन लोगों ने मुझे तस्वीरें दिखाई थी अपने बेटे की, सच पूछो तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं तो गैर हूँ, फिर भी मेरा दिल बहुत दुख रहा था। वो तो उसके अपने हैं, पता नहीं कैसे सफर करते होंगे वो लोग। अल्लाह अगर किसी को तकलीफ में मुब्तला करता है तो उसे सब्र करने की कुव्वत भी अता करता है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देख लें बहुत बड़ी ट्रेजेडी है उनके घर की। Anyway, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज डिसाइड कर लें आप लोगों ने क्या करना है। I'll see you in a bit। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे घर में भी खुशी का मौका आया। बस अब अल्लाह करे सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह सब खैरियत से ही होगा। सारिम ने अगर कमिटमेंट की है तो इस कमिटमेंट से कभी नहीं फिरेगा। तुम ऐसे वहम ना करते रहा करो हर वक्त। और जहाँ तक शादी की तैयारियों का ताल्लुक है, उन लोगों से डिस्कस कर लो जो कुछ भी करना चाहती। ठीक कह रहे हैं आप। चाय तो लें, ठंडी हो रही है। अरे अब ठंडी हो क्या रही है, हो गई होगी ठंडी। अभी भी गर्म है। अच्छा भाई, आप जी मेरे कमरे में आइए। यस मैम, मेरे नाम पे पार्सल आएगा, अगर मैं बिजी हुई ऑफिस में ना आई तो उसे रिसीव कर लीजिएगा। ओके मैम। सुने वो मिस महा आई नहीं है क्या?
नहीं मैम, काफी टाइम हो गया वो ऑफिस नहीं आ रही। अच्छा, शायद फिर मुझे वो गलत फहमी हुई होगी। आप जा सकती हैं। हरीशा, हाय माहम, कैसी हो? ठीक। कब आई? बस अभी। बैठो, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे हाँ, बात ही इतनी खुशी की है, मुझे जैसे ही खाला ने बताया कि सारिम भाई की बात पक्की हो गई, सराहा नहीं गया, मैं फौरन आ गई। आंटी से मिली? हाँ बस अभी मिलने जा रही थी। तुम्हें तो सैरिश ने पहले ही बता दिया होगा। ऑब्वियसली बता तो दिया था, मगर खाला से तो नहीं कह सकती ना। चलो अब तुम तो खुश हो ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सारिम की लाइफ पार्टनर बनने जा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे सैरिश को ना सारिम भाई पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे, वरना वो तो किसी को घास भी नहीं डालती। तो अंदाज़ा हो गया था मुझे, तुम्हारी तो सैरिश से बहुत अच्छी दोस्ती है ना। हाँ, उसकी सिर्फ मुझसे ही बनती है, वरना वो तो अपनी भाभी को भी लिफ्ट नहीं कराती। अच्छा, भाभियाँ तो होती ही ऐसी हैं। देखो ना, उसके अच्छे घर में शादी हो रही है, जेलसी हो गई होगी। अब अरे नहीं नहीं माहम, ऐसी बात नहीं है, रूमी भाभी तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है उनका। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम अब मेरी शॉपिंग में हेल्प कराना, तुम्हें सैरिश की पसंद का तो पता ही होगा ना। पसंद और सैरिश की, वो मैडम तो किसी के साथ शॉपिंग करना पसंद नहीं करती। इनफैक्ट उसको इन मामलात में ना किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं, बल्कि इस मामले में क्या, उसको तो किसी मामले में भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। और सैरिश की भाभी की शॉपिंग किसने की थी? एक एक चीज, इवन जो खाने का मेन्यू था ना, वो भी सैरिश की मर्जी का था। और रूमी भाभी को किसी चीज पर एतराज भी नहीं होता, बहुत लाडली है ना सैरिश घर की। यानी मेरा ख्याल सैरिश के बारे में गलत नहीं था। तुम यहाँ बैठो, मैं आंटी को बुला के लाती हूँ। ठीक है। सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। आपसे मिलने अरीशा आई है, लाउंज में वेट करिए आपका। अच्छा तो चलो। आंटी एक सवाल पूछूं आपसे? पूछो। आपको सारिम के लिए सहरिशी क्यों पसंद आई? सच बताऊं, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और एक दो मुलाकात के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में सारिम के लिए बहुत कदर है। वो पसंद करती है सारिम को, इसलिए मुझे लगा कि वो सारिम के लिए बेहतर रहेगी, वरना सारिम उससे शादी के लिए कभी हाँ ना करता। तो आपको लगता है कि सहरिश पहले से ही सारिम में इंटरेस्टेड थी? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारिम को पसंद करती है, और जो मैंने उसकी नजरों में सारिम के लिए मोहब्बत और प्यार देखा है ना, बस तो मैंने सोचा कि यही सारिम के लिए बेहतर है। वरना देखो, हम लोग रिश्ता लेकर गए और उन्होंने फौरन ही हाँ कर दी। अरीशा की दोस्त है ना सैरिश? पहली बार अरीशा के थ्रू मुलाकात हुई थी उससे। इनफैक्ट उसके भाई की शादी चल रही थी ना, तो वो अरीशा को पिक करने के लिए आई थी हमारे यहाँ। अच्छा, तो कहानी ऐसे शुरू हुई थी, और फिर सारिम की पर्सनैलिटी। माहम कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं आंटी, चले चलो। सैरिश जी,
मामा ने सादिया आंटी की फैमिली को वीकेंड पर इनवाइट किया है। जानती हूँ, तो तुम मामा के साथ मिलके मेन्यू डिसाइड कर लो ताकि कोई कमी ना रह जाए। डोंट वरी भाभी, कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे मैंने देखा है कि आप मेरे प्रपोजल को लेके कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। आपको ये तो नहीं समझ रही कि मेरे इस घर से जाने के बाद यहाँ पे आपकी हुकुमरानी होगी और आप अपनी मनमानी चलाएंगे? भूल जाए इस बात को। अब तो बदगुमानी छोड़ दो सैरिश, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? ये घर शुरू से ही तुम्हारा है, आज भी और हमेशा रहेगा। वाह, बड़ी समझदार हो गई आप। लेकिन ये जो आप खुलिया बना के घूमती है ना लोगों को दिखाने के लिए कि ताबिज बह के जाने का गम सिर्फ आपको और किसी को नहीं, प्लीज जब सादिया आंटी आएंगी तो ये ना लीजिएगा उनके सामने, कुछ ढंग का पहन लीजिएगा। थैंक यू। खुशी और दुख दिखाया नहीं जाता, खुद ब खुद नजर आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं थोड़ा बेहतर तैयार हो जाऊंगी। आ जाओ, मामा वेट कर रहे हैं तुम्हारे। ड्रम में पास अगर आपको फालतू कामों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा काम पर भी ध्यान दे दीजिए। लेकिन मैम, मैं तो ताहिर साहब, आपकी इतनी उम्र हो गई फिर भी आप एक क्लर्क हैं, क्यों? Because you are incompetent. ये फाइल पकड़े, जल्दी से रिपोर्ट पूरी करो, सबमिट करानी है मुझे। सारा सामान मेरे गिरा दिया है, अब मेरा मुंह क्या देख लो उठाई से, जल्दी करें। Idiot. तुम तो ये इवेंट ही खराब कर देती। आप कैसी बातें कर रही है मिस मां, मैं भला जानबूझ के इवेंट क्यों खराब करूं? अक्सर ऐसा होता है ना, जैसा हम सोचते हैं चाहते हैं, अगर उसके बरक्स हो जाए तो उसे दिल तस्लीम नहीं सकता। ऐसा तो नहीं मैं गलत सोच रही हूँ? नहीं, सारिम के मामले में मेरा दिल कभी गलत गवाही नहीं दे सकता। मुझे ही कुछ करना होगा। इस मामले में अरीशा काम आ सकती है। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? सारिम, एक प्रॉब्लम हो गई है। What happened? वो कामरन साहब है ना, आईटी वाले जिनकी फर्म है। हाँ, उन्हें क्या हुआ? उन्हें मैंने आज का टाइम दे दिया था, उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया कि आज डिनर हम साथ करें। हाँ, लेकिन आज तुम सैरिश के इनवाइटेड है ना? शांति हूँ, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। अगर मुझे याद होता तो मैं कभी भी हाँ ना कहती। मैंने तो प्रेजेंटेशन भी तैयार नहीं की। मैं तो पता है जब तक प्रेजेंटेशन तैयार ना हो सामने वाली पार्टी से बात भी नहीं करती, उन्हें मैं मना भी नहीं कर सकती। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर रिलैक्स, मैं साथ चलता हूं, हम लोग मिलकर कुछ हैंडल कर लेंगे। कैसे साथ चलते हो? आज तुम्हारी मंगनी की डेट फिक्स होने जा रही है, अगर तुम मेरे साथ मीटिंग में चले गए तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। नहीं नहीं, ना सोचती हो तुम। हम जाएंगे साथ, उसके बाद वहां से फारिग होकर सैरिश के चले जाएंगे, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? अच्छा सारिम, क्या ये हो सकता है कि मेरी जगह तुम चले जाओ मीटिंग पे और मैं आंटी के साथ चली जाती हूँ? क्योंकि अगर हम दोनों नहीं गए ना तो आंटी माइंड कर जाएंगी। हाँ ऐसा कर सकते हैं, मैं चला जाता हूँ। फिर वहां से फारिग होके मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम मुझे बता देना वहां की सिचुएशन। ये ज्यादा ठीक है, वैसे भी तुम्हारी मीटिंग्स तो होती रहती हैं और ये बात तो सैरिश को भी पता है, अगर मैं नहीं गई तो आंटी मुझसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सारिम, तुम हमेशा मेरे सब मसले हल कर देते हो। लेकिन ये बात सोच के बुरा लग रहा है कि आज तुम्हारी मंगनी की डेट फिक्स हो रही है और तुम यहाँ फंस रहे हो।
इट्स ऑल राइट. वैसे भी मैं सिर्फ अम्मी के कहने पर ही जा रहा था, मेरी जरूरत नहीं है वहां. अच्छा आंटी को खुद से बताना, मेरा नाम मत लेना प्लीज. नहीं बताता, रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? थैंक यू, यू आर द बेस्ट. ये मस्के ना लगाया करो मुझे. अच्छा आई एम रियली सॉरी सारिम, मगर ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ. सारिम नहीं आया आप लोगों के साथ? वो सारिम एक्चुअली हमारे साथ ही आ रहा था, लेकिन आप तो जानते हैं ना बिजनेस के मामलात, ऑफिस से एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कॉल आ गई तो सारिम को जाना पड़ा. वरना वो हमारे साथ ही होता. महम सारिम को कॉल करो. आंटी मैंने कॉल की है उसको, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है. फैजान साहब, दरअसल हम लोग ये चाह रहे थे कि एक फैमिली गेट टुगेदर रखा जाए, उसी में चंद दोस्तों भी बुलवा लें और वहीं पे मंगनी की रस्म भी कर लें. क्या क्या ख्याल है आप? क्या तो आप भी ठीक रहे, लेकिन मैंने सोचा है कि ये हमारी कोई शर्त या ख्वाहिश नहीं है. अगर हम एंगेजमेंट की जगह निकाह कर लें और बाद में तारीख लेके शादी कर लें. ये तो बहुत अच्छा ख्याल है आंटी. सारिम एक ही बेटा है आपका, सारी रसूमात करें ना, पहले मंगनी फिर निकाह और फिर शादी की रसूमात, ताकि हम खुल के एंजॉय कर सकें, है ना? फिर मौका मिले या ना मिले. दरअसल ख्वातीन को अपने ड्रेसेस की नुमाइश भी तो करनी होती ना, इससे अच्छा मौका इन और कौन सा हाथ आएगा. लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे थे कि इसमें आपकी मर्जी भी शामिल हो तो बहुत अच्छा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो हम लोग शादी फिर खुलकर सेलिब्रेट कर लेंगे, क्यों रूमी? जी मामा, आप लोग बस डेट डिसाइड करें, मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी भरपूर तरीके से हो. ताबिश होते तो अपनी इकलौती बहन की शादी में कोई कमी ना छोड़ते. अब तो भी ठीक है, नेक्स्ट मंथ के संडे को हम लोग आ जाते हैं 5 तारीख को, और मंगनी की एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं, और फिर उसी दिन हम आगे के जितने भी फंक्शंस होंगे उन सब की डेट डिसाइड कर लेंगे. बिल्कुल ठीक है, अब मंगनी की डेट फिक्स हो गई है तो बेगम मिठाई मंगाएं, सबका मुंह मीठा करें. जी जी जरूर. रूमी अपने बेटे से तो मिलवाओ. मैं लेकर आती हूँ. मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, प्लीज चलो. बेटा रानी से कहना कि मिठाई भी ले आएगी. माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बेटा है आपका. कुल अपने बाबा पर गया है. इसका मतलब है अगर तुम पे जाता तो और भी ज्यादा क्यूट हो. सादी आंटी से सुना था तुम्हारे बारे में. बस सब किस्मत के खेल हैं, हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं. लव मैरिज थी ना तुम्हारी? हाँ, साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. अच्छा रूमी, मैं तुम्हें तुम कहकर बुला रही हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी फ्रेंडली हो. इनफैक्ट आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं. तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगी हो, इतनी क्यूट हो, इतनी अच्छी तबीयत है तुम्हारी. आई होप कि सैरिश भी ऐसी हो. जिस घर में सहरिश जाएगी उस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी.
मैंने सादिया आंटी से आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल उनके घर के फर्द की तरह हैं ना, बचपन से आना जाना है। हाँ, मैं सारिम की बेस्ट फ्रेंड हूँ और बचपन के साथी हैं हम। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसे आप बिला झिझक अपनी खुशी, अपना दुख सब शेयर कर सकें। मैं और सारिम ऐसे ही दोस्त हैं और मैं चाहती हूँ कि सारिम के लिए जो भी डिसीजन हो, जो भी फैसला हो, जो भी चीज हो, उसकी जिंदगी में परफेक्ट होनी चाहिए। और अब तो वो शादी का डिसीजन कर रहा है, आई होप कि अच्छा हो। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। वैसे रूमी, एक बात पूछूं, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, माइंड तो नहीं कर जाओगी? मेरी तो बुरा लगने की हिस्सी खत्म हो गई है, प्लीज पूछिए। तुम इतनी यंग हो भी, पूरी जिंदगी यहीं गुजार दोगी? आई मीन, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर पे नहीं बुलाते? मेरे वालिद नहीं है, अम्मी है, एक बड़ा भाई है और भाभी हैं। अम्मी कभी कभी बुलाती हैं तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि इस घर में मामा पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। और फिर अब आहिल उनकी वाहिद औलाद है, तो आहिल से भी बहुत मोहब्बत है उन्हें। रूमी की बातों में कहीं पे भी सहरिश का जिक्र नहीं है। बातों बातों में पता ही नहीं चला वक्त का। चलो बाहर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग जाग रहे हैं अब तक? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ऐसी कौन सी अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तुम्हारी? तुम जानते भी हो मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था वहां पर, मैं तुम्हारा इंतजार ही करती रही, तुम पहुंचे ही नहीं। I'm really sorry अम्मी, वो एक्चुअली मीटिंग वाकई में बहुत लेट हो गई थी। वैसे मेरा काम ही वहां पे क्या था, सब कुछ तो आप लोगों ने डिसाइड करना था। वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन जहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं वहाँ बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगा। एनीवे, आप लोग बताएं आप लोगों का डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ की ना 5 तारीख तुम्हारी मंगनी के लिए डिसाइड हुई है। कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रहे आप लोग? तुम खुश तो हो ना? आप खुश हैं? बहुत खुश। तो फिर आपकी खुशी भी मेरी खुशी है। मैं चेंज करके लाता हूँ, तुम्हें सारी डिटेल्स मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, चेक कर लेना मेल में। मैं थोड़ा बिजी थी, देखा नहीं, अब देख लूंगी। ओके। अंदर आ सकती हूँ? Of course, जैसे मैं मना करूँगा और तुम नहीं आओगी। इतना attitude? तो तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाई हूँ, सोचा कि तुम थके होगे तो कॉफी ले जाती हूँ। You know what? तुम मुझे मुझसे ज़्यादा जानती हो। This is exactly what I need right now. ये बात तो है। I'm sorry सारिम, तुम मेरी वजह से अपने होने वाले ससुराल नहीं जा सके। Please don't be. वैसे मैं भी जाने से घबरा ही रहा था, मैं ये सोच रहा था कि क्या एक्सक्यूज बनाऊं, लेकिन अच्छा हो तुमने मुझे मीटिंग का कह दिया। सारे वहां सब तुम्हारा पूछ रहे थे, और पता है मैं सैरिश की भाभी से मिली थी वहां पे, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी सी है। चलो अच्छी बात है, मैं कोई तो अच्छा लगा वहां। नहीं सारे, उसमें कुछ अलग ही बात है,
मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ, हालांकि मैं उससे फर्स्ट टाइम मिल रही थी। बहुत प्यारी सी है, मासूम सी, दुखी सी, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। कोस, मम्मी ने बताया था मुझे, दुखी इतना बड़ा है कोई क्या कर सकता है। हम अपने ही दुख को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जब लोगों से मिलते हैं, उनके दुख देखते हैं, तो अंदाजा होता है कि खुदा ने कितनी कितनी बड़ी इज्माइशों में अपने बंदों को डाला है। और पता है कि उसके फादर भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे की वजह से ससुराल में रह रही है। आई थिंक इट्स ऑब्वियस, ताबिश उनका इकलौता बेटा था, आगे उसका भी सिर्फ एक ही बेटा है। घर वालों की पहली और आखिरी निशानी, वो तो यही चाहेंगे कि उसका बेटा उनके साथ ही रहे। और मजे की बात, फेरिश की अपने घर पे बहुत चलती है, हो सकता है तुम्हारी पर्सनैलिटी इस पर क्लैश हो। इट्स ओके, वैसे भी अम्मी की पसंद है, और तुम्हें हमारे घर का माहौल पता है, हम एक दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत तो करते नहीं हैं। वो आ जाएगी, उसका जैसे दिल चाहेगा रहेगी, जो चाहेगी करेगी, बिग डील। मिस्टर सारिम, कहना बहुत आसान है, मगर जब जिंदगी साथ गुजारनी पड़ती है ना, तो लग पता जाता है। Well, we'll see. Let's see. Thanks for the coffee, though. सब कुछ कितना अच्छे से हो गया ना मामा। माशाल्लाह। सैरिश, मैंने तुम्हारे गिफ्ट्स रानी से कहकर तुम्हारे कमरे में रखा था। मुझे तो लोग बहुत अच्छे लगे। अभी तो तुम सारिम से नहीं मिली हो, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना हैंडसम बच्चा है। अब तो मुलाकात होती रहेगी, आना जाना जो लगा रहेगा। वैसे भाभी, आप माम से क्या बातें कर रही थी, काफी देर तक आप दोनों कमरे में थे। ज्यादा कुछ नहीं, मुझसे ताबिश के बारे में पूछ रही थी वो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी दिखाती है अपने आप को, मिलती रहती हूँ ऑफिस में उससे। मम्मी, आपने देखा था वो कैसे इंटरफेयर कर रही थी हमारी मंगनी के मामलात में। अनबिलीवेबल। हाँ, मुझे तो अच्छी लगी बात, वैसे आइडिया बुरा नहीं था मंगनी का। आप जानती है कि वो डिवोर्स्ड है और यहाँ पाकिस्तान आके सारिम की फैमिली के साथ रहना शुरू हो गई है। अब सारिम की और उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, और वैसे भी वो उसकी खाला की बेटी है। देखो बेटा, तुम सारिम से ऐसी वैसी कोई बात मत करना। जानती हूँ। आइल का वो ऊपर रानी के साथ। अम्मी, वो सैरिश की बात पक्की हो गई, आपने मुबारकबाद नहीं दी उसे? मुबारकबाद के लिए मैंने फोन कर दिया था, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए नहीं बोली। अच्छा अम्मी, एक बात बताएं, वो सैरिश की जिस लड़के से बात पक्की हुई है, वो उसके ऑफिस का मालिक है ना? हाँ, सुना तो यही है, लेकिन मैंने ना कुरेदा नहीं, कुछ मुनासिब नहीं लगा। अच्छा, तुम भी कुछ ना पूछना। नहीं भाई, मुझे क्या पड़ी है पूछने की, लेकिन एक बात है, किस्मत है सैरिश की, एक तो पहले से ही अमीर, ऊपर से इतना बड़ा रिश्ता मिल गया, पहले ही उसके पाँव जो है ना जमीन पे नहीं लगते थे, अब तो बिल्कुल ही हाथ नहीं आने वाली, वो अकड़ जाएगी। अरे, इसमें अकड़ की क्या बात है बेटा, जिस खानदान से वो ताल्लुक रखती है उसको ऐसे ही रिश्ता मिलना चाहिए। ऐसे तो अगर देखा जाए अम्मी, तो हम जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं उस हिसाब से हमारी रूमी को तो बहुत बड़ा रिश्ता मिला था। वो तो अलग बात है कि बेचारे की किस्मत ठीक नहीं निकली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नजर बरहक है, किस्मत पे अगर कोई भी चीज सबकत ले जा सकती है ना, तो वो नजर है। ये अल्लाह ताला सबको नजरे बद, जलन और हसद से महफूज रखे।
आमीन आमीन। मैं तो हर वक्त इसीलिए अयान पे पढ़ पढ़ के भूखती रहती हूँ। बहुत अच्छा करती हो बेटा, अल्लाह ताला हर आफत से महफूज रखे। सैरिश आज ऑफ कर लेती ना, वैसे भी कल देर हो गई थी तो थक गई होगी तुम। नहीं मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ इसलिए तो जा रही हूँ, नहीं तो ऑफ कर लेती भाभी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी अब वो ऑफिस तुम्हारा अपना ऑफिस होने वाला है। ओह तो आपको ये बात बुरी लगी है, तभी मैं कहूँ कि फंक्शन में इतना चुप चुप क्यों बैठी थी। मुझे क्यों बुरी लगेगी, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। सैरिश ताबिश के बाद पहली गैदरिंग अटेंड कर रही थी इसलिए अनकंफर्टेबल थी मैं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि ताबिश भाई के जाने का दुख सिर्फ आपको है, हम सारे यहाँ पे बहुत खुश हैं। सैरिश मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज बात मत पढ़ाओ। जाइए जाइए भाभी, आपको मैं अच्छे से जानती हूँ। आप तो उसी दिन जेलिस हो गई थी जिस दिन सादिया आंटी मेरे घर आ रही थी, तभी बीमारी का बहाना बना के गई थी ना अपनी अम्मी का। मेरी अम्मी वाकई बीमार थी। प्लीज तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो मेरे बारे में? मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छे घर में शादी होकर चली जाओ। देर हो रही है मुझे, ऑफिस जा रही हूँ। Yes, I'm waiting for the email, but just be very quick with this because client wait kar raha hai. Yeah, and I do need the confirmation. It's very important. All right. Okay, bye. आपने बुलाया? जी सरिश, I'm extremely sorry. मैं कल आपके घर डिनर के लिए नहीं आ सका. It was a very important meeting. It's okay, सारे. काम को प्रायोरिटी होना चाहिए अब. आना जाना तो लगा रहेगा घर पे, है ना? I'm glad आप इस तरह की सारी चीजों को अंडरस्टैंड करती हैं। If you don't mind me asking, आपकी मीटिंग्स का स्केड्यूल मैं बनाती हूँ और कल कोई ऐसी मीटिंग स्केड्यूल नहीं थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी क्या? Actually उस मीटिंग के लिए माहम को जाना था और उसकी कोई तैयारी नहीं थी, so I had to go for the reference. Okay. One more thing. कल हमारा डिनर नहीं हो सका तो आज हम लंच पे चलें? या व्हाई नॉट, लेट्स एम फॉर 2 o'clock, लेट्स गो फॉर लंच। सी यू, सी यू इन अ बिट। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हैप्पी, वेरी हैप्पी। आपको पता है सारे और मैं अभी लंच करने जा रहे हैं। अच्छा, गुड। इनफैक्ट ये सारे का आइडिया था, कह रहे थे कि रात को हम डिनर पे नहीं जा सके तो आज लंच कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन? सारिन ने तुमसे कहा? हाँ, इसमें तहरानगी वाली क्या बात है, आखिर हमारी बात पक्की हो चुकी है। अब सबने मुबारकबाद दे दी सिवाय आपके। वेल, सारिन की कोई भी बात मुझसे छुपी भी नहीं है, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। सारिन तुम्हें कभी लंच का नहीं बोल सकता। हाँ, अगर तुम उसे बोलोगी तो वो तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आदत नहीं है किसी को हर्ट करने की, और मुझे यकीन है कि तुमने उसे लंच का बोला होगा, उसने तुम्हें लंच का नहीं बोला। और रही बात मुबारकबाद क्यों नहीं,
तो डियर सैरिश, अभी तुम्हारी मंगनी हुई नहीं है, होना बाकी है। देखो ना, जैसे पहले तुम्हारा निकाह डिसाइड हो रहा था तो फिर मंगनी फाइनल हो गई, तो आगे कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी अरिशा आएगी थोड़ी देर में, उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा प्लीज। लेकिन बेटा अरिशा इस वक्त क्यों? क्या मतलब इस वक्त क्यों? 5 ही बजे, फिर 12 तो नहीं बजे, क्या हो गया आपको? क्या हो गया सैरिश, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी मैं गुस्से में नहीं हूँ, आज मेरा ऑफिस में बहुत टफ डे था, मैं थक गई हूँ। हाय सैरिश, बैठो। एक बात बताओ, जब बुलाने का वक्त था तब तो तुमने मुझे बुलाया नहीं, और आज अचानक से कौन सी इमरजेंसी हो गई कि बस फौरन आ जाओ? कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया है ना? हाँ बोलो। ये महाम का क्या सीन है? दिल चाह रहा था कि आज उसका खून पी जाऊं।